नमस्कार, 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी सेवाओं के लिए चयनित अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश में बेरोजगारी की दर 19% से घटकर मात्र 2% पर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा और मेघालय को दी विकास की कई परियोजनाओं की सौगात। कहा, देश की सीमाओं पर डंके की चोट पर हो रहा है विकास। देश भर में आज से शुरू हो रहा है सुशासन सप्ताह। 5 दिवसीय प्रशासन गांव की ओर अभियान का भी होगा उद्घाटन। 3000 से अधिक सेवाएं होंगी ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश में मौसम ने ली करवट, दिखाए तीखे तेवर। ठंड और गलन के साथ कई स्थानों पर कोहरे के चलते जनजीवन हुआ प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं और 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को रोजगार तथा 60 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के चलते उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर मात्र 2% रह गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 6.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ प्रतिभाशाली बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ते हुए 19% पर चल रही बेरोजगारी दर को 17% कम करने में सफलता पाई है। कल एक समारोह में लखनऊ में मुख्यमंत्री ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के नवचयनित कुल 1395 प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को ऑनलाइन पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को मिशन रोजगार के तहत बढ़ाने का काम किया गया है। जो बाधाएं थी, जो बैरियर्स थे, उन्हें हटा करके प्रक्रिया को उतनी ही निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हरेक युवा के लिए, हर प्रतिभाशाली युवा के लिए अपने अनुरूप नौकरी और रोजगार ढूंढने में सफलता प्राप्त हो सके। और उसी चयन की प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की निष्पक्ष और पारदर्शी कार्य पद्धति हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा बरती गई विगत 5.5-6 वर्ष के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का हो या किसी भी अन्य भर्ती बोर्ड के द्वारा की गई भर्ती की कार्रवाई, आज कोई उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की इन किसी भी कार्रवाई में भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता। और किसी भी सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह ईमानदारी से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके चयन की प्रक्रिया में सुयोग्यतम पात्र अभ्यर्थियों को मौका मिल सके, उन्हें अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने राज्य के अंदर देने के लिए उस प्रकार का मंच दे सके। यह राज्य सरकार ने विगत 5.5-6 वर्ष के अंदर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और इसीलिए भर्ती की हर प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक मिशन रोजगार के तहत अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल त्रिपुरा भी पहुंचे, जहां उन्होंने 4,350 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री की स्वागत में बड़ी संख्या में त्रिपुरा में लोग पहुंचे। रविवार को पूर्वोत्तर के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय के बाद त्रिपुरा पहुंचे और 4,350 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 2,05,000 से ज्यादा लाभार्थियों को उनका घर मिला। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आनंद नगर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। आज त्रिपुरा के 2,00,000 से अधिक गरीब परिवार अपने घर में, नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर घरों की मालकिन हमारी माताएं बहने हैं। सड़क संपर्क को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री ने अगरतला बाईपास, खैरपुर अमतली, NH-8 के चौड़ीकरण परियोजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 230 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 32 सड़कों और 540 किलोमीटर से अधिक की दूरी को कवर करने वाली 112 सड़कों के सुधार के लिए भी आधारशिला रखी। अब तो त्रिपुरा के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इसी तरह भारत थाईलैंड म्यांमार हाईवे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट दूसरे देशों के साथ संबंधों का द्वार भी बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल दे रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के गांवों में 7,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत हो चुके हैं। इसमें से लगभग 1,000 सेंटर यहीं त्रिपुरा में बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि त्रिपुरा के छोटे किसानों, छोटे उद्यमियों और सबको बेहतर अवसर मिले। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रोड शो किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में अपार जनसमूह सड़क के दोनों किनारे उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज डंके की चोट पर देश की सीमा तक हवाई पट्टी, टर्नल पुल, सड़कें और रेल लाइन बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पूर्वोत्तर सुरक्षा और समृद्धि का प्रवेश द्वार है। प्रधानमंत्री ने शिलांग में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। वो बाद में अगरतला गए और उन्होंने वहां रोड शो किया तथा जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कल मेघालय को 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास सौगात दी तो नॉर्थ ईस्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया है। पीएम मोदी ने एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट और एक्ट फर्स्ट फॉर ईस्ट मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के द्वारा बीते 8 वर्षों में कराए गए कार्यों का विस्तार से जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के सरकार प्रयासों को स्थानीय लोगों से मिल रहे सहयोग पर भी उनका आभार जताया। प्रकृति, संस्कृति और समृद्धि का प्रदेश मेघालय रविवार को राज्य के विकास उत्सव में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,450 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षेत्र में दूरसंचार कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने वाले कदम के तौर पर 4G मोबाइल टावर्स को देश को समर्पित किया।
इस परियोजना के तहत 320 से ज्यादा टावर बन चुके हैं जबकि लगभग 890 निर्माणाधीन है। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे उसके लिए 6000 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस पर 5000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मशरूम विकास केंद्र में स्पॉन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसके अलावा मेघालय में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में 21 हिंदी पुस्तकालयों का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने शिलांग दियेंग पसो सड़क का शुभारंभ किया। साथ ही मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश इन तीनों राज्यों में 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने उमसावली में IIM शिलांग के नए परिसर का उद्घाटन भी किया। मेघालय में IIM का लोकार्पण और टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। शिलांग यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में 6 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। साथ ही तुरा में इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर और शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने विवादों के बॉर्डर पर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर पर बल दिया है। बीते 8 वर्षों में अनेक संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है, स्थायी शांति की राह पकड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में आसपा की आवश्यकता ना पड़े इसके लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थितियों को सुधारा जा रहा है। यही नहीं, राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर भी दशकों से जो विवाद चल रहे थे उनको सुलझाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा पूर्वोत्तर या सीमा क्षेत्र आखिरी छोर तक नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे हैं। इसलिए सीमावर्ती गांवों में बॉर्डर विलेज योजना के तहत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना, इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। जो भी आवश्यक है एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अक्सर क्षेत्र के 8 राज्यों को अष्ट लक्ष्मी के रूप में संदर्भित करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार को पूर्वोत्तर के विकास के लिए 8 आधार स्तंभों यानी शांति, बिजली, पर्यटन, 5G कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक खेती, खेल, क्षमता पर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए देश का प्रवेश द्वार है और पूरे क्षेत्र के विकास का केंद्र बन सकता है। आज से देश भर में शुरू हो रहे सुशासन सप्ताह में 3000 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 5 दिवसीय प्रशासन गांव की ओर अभियान के उद्घाटन के दौरान देशभर के जिला कलेक्टर्स द्वारा चिन्हित 3120 नई सेवाओं को ऑनलाइन सेवा प्रदायिकी के लिए जोड़ेंगे। इस द्वारा केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली और राज्य के पोर्टल पर मिली शिकायत का एक साथ निस्तारण किया जाएगा। जन शिकायतों के निवारण और सेवा प्रदायिकी में सुधार के लिए देशव्यापी अभियान देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर्स भाग लेंगे और अधिकारी तहसील और पंचायत समेत मुख्यालय का दौरा करेंगे। खबरें अभी और भी हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। अरे वाह, लेजेंड की बेल, इससे तो मैं खेलूंगा।
फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत अपनी रक्षा तैयारियों को अपने दम पर कैसे अंजाम दे रहा है, एक और बड़ी वानगी देखने को मिली जब भारत ने आईएनएस मोरमुगाओ को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल कर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत देश की सेवा में शामिल हो गया। इस युद्धपोत में 75% भारतीय तकनीक और सामान लगा है, जो आत्मनिर्भर भारत की कहानी को साफ तौर से बयां करता है। आधुनिक हथियारों से लैस परमाणु जैविक और रासायनिक युद्ध में सक्षम मोरमुगांव जहाज रविवार को जब औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल हुआ तो वो देश की समुद्री सुरक्षा की नई ताकत बन गया। प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल ध्वंसक का दूसरा जहाज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के बेड़े में शामिल किया। नौसेना के बेड़े में शामिल करने का कार्यक्रम मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में किया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस मोरमुगांव देश में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोते में से एक है। ये भारत की समुद्री क्षमता में और बढ़ोतरी करेगा। विशाखापट्टनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरिटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के स्वदेशी संगठन ने तैयार की है तथा निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह युद्धपोत सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। यह आईएनएस मोरमुगांव वारशिप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त है। मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, एयर एंटी सबमरीन इंडिजिनस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत चार जहाजों के लिए 28 जनवरी 2011 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना का पहला जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम पिछले साल 21 नवंबर को भारतीय नौसेना में कमीशन किया जा चुका है। आईएनएस मोरमुगांव प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का दूसरा स्वदेशी स्टिल्थ विध्वंसक है। स्वदेशी तकनीक से बने युद्धपोत को पिछले साल 19 दिसंबर को परीक्षण के लिए समुद्र में उतारा गया था। उसी दिन पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति के 60 वर्ष पूरे हुए थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भी लक्ष्य है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि आईएनएस मोरमुगांव को शामिल करना नौसेना के सुरक्षा क्षेत्रों में एक मील का पत्थर साबित होगा। दिस अचीवमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ द लार्ज स्ट्राइड्स वी हैव टेकन इन वॉरशिप डिजाइन एंड बिल्डिंग कैपेबिलिटी ओवर द लास्ट डिकेड। The Navy has a tradition of naming ships after cities, which creates an enduring umbilical link between the two. हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच इस युद्धपोत का भारत की समुद्री सेना में शामिल होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने के बाद भारत की ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। और अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है, इसके साथ ही ठंड के तीखे तेवर दिखने लगे हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, बलिया, प्रयागराज और वाराणसी सहित विभिन्न इलाकों में सुबह और शाम ठंड गलन और कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि अधिकांश स्थानों पर दिन में चटकदार धूप निकल रही है, लेकिन शाम होते ही सूरज डूबने के साथ गलन बढ़ जाती है। लोगों को गर्म कपड़ों के साथ ही अलाव और आश्रय स्थलों का सहारा लेना पड़ रहा है। लखनऊ में कल दिनभर बदली छाने से दिन का पारा सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस गिरकर अधिकतम 23.4 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों तक
मौसम ऐसे ही बना रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी के मौसम में गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरतमंदों को कंबल बांटने तथा सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलवाने की व्यवस्था समय से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कंबल क्रय की कार्यवाही समय से करते हुए वितरण का कार्य पूरी पारदर्शिता से सुनिश्चित किया जाए, कंबल वितरण की कार्यवाही से जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि खरीदे जाने वाले कंबलों की दरें प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए, क्योंकि सभी जनपदों द्वारा कंबल खरीद की जाएगी। स्थानीय स्तर पर कंबल निर्माताओं की उपलब्धता होने पर कंबल खरीद में इन्हें प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने सभी रैन बसेरों को तैयार करते हुए क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, स्थानीय पुलिस द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के रैन बसेरों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को रैन बसेरों का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। शीतलहर के दौरान गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने का कार्य पूरी तत्परता से करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। यदि किसी जनपद को अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी तो शासन द्वारा समय से धनराशि आवंटित कर दी जाएगी। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन अभी लेते हैं एक विराम। बिट्टू बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के 97वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटकों को लाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। बीते 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश में डोमेस्टिक टूरिज्म में पहले नंबर पर उभर कर सामने आया है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं हैं, और संभावनाओं को अगर आप देखेंगे तो विगत 5 वर्ष के अंदर हम सब ने जो प्रयास किए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसका परिणाम है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। अमूमन वाराणसी में वर्ष भर में 1 करोड़ पर्यटक आता था, और इस वर्ष अकेले सावन माह में 1 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु वाराणसी में आया है, 1 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी। और अगली खबर G20 से जुड़ी हुई है। आगरा में आगामी 9 और 10 फरवरी को G20 देशों की होने वाली 2 दिवसीय बैठक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी को लेकर पर्यटन मंत्रालय द्वारा ताजमहल की सुरक्षा में तैनात CISF के जवान, भारतीय पुरातत्व विभाग के कर्मचारी, पर्यटन व्यवसायी और गाइडों को संवेदीकरण और कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के आगरा अधीक्षक राजकुमार पटेल ने कहा कि G20 की पहली बैठक फरवरी में होने वाली है, इसको लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर मेहमानों के प्रति कैसा व्यवहार हो इसको लेकर प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ सभी स्मारकों का निरीक्षण कर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर ध्यान देकर पूरा किया जा रहा है। वहीं पर्यटन मंत्रालय के सहायक निदेशक संदीप शुक्ला ने कहा कि उदयपुर और चंडीगढ़ में कार्यशाला होने के बाद आगरा में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
आगरा G20 के वेन्यू में है और जो हमारी पहली मीटिंग है वो फरवरी में होने वाली है, जिसमें कई सारे मॉन्यूमेंट्स का भ्रमण भी है जिसमें ताजमहल भी शामिल है। तो हम फेज वाइज सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने। इसमें जो ASI स्टाफ है ताजमहल का और जो CISF है जो सिक्योरिटी फ्रिस्किंग और जो विजिटर्स के बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं ताजमहल में, उनका एक इंटरेक्टिव ट्रेनिंग सेशन था जो इस बात पे फोकस किया गया कि जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनके साथ नॉर्मली हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए, हम कैसे हैंडलिंग करें। इस कार्यक्रम का आयोजन आगामी G20 समिट को देखते हुए किया गया है। ये पर्यटन मंत्रालय की एक सीरीज का एक हिस्सा है। पर्यटन मंत्रालय का प्रयास है कि जहाँ जहाँ पे भारत में इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं उससे पहले इस तरह के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करवाए जाएं जिसमें टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स को शामिल किया। बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय बाबूराम एमकॉम की पुण्यतिथि पर जालौन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनकी स्मृति में कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग के उरई चौराहे पर निर्मित बाबूराम एमकॉम स्मृति द्वारा का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने कहा कि स्मृति द्वार के जरिए स्वर्गीय बाबूराम को श्रद्धांजलि दी गई है। बाबूराम एमकॉम बुंदेलखंड में राजनीति के भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं। उन्होंने कहा कि बाबूराम एमकॉम ने न सिर्फ जिले के बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लिए विकास के कार्य किए थे। इस स्मृति द्वार के जरिए उनकी यादों को संजोने का कार्य किया गया है। कालपी से झांसी जाने वाले उरई के मुख्य द्वार पर उनका प्रवेश द्वार उनके नाम से निर्माण कराया गया है और निश्चित रूप से हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं कि इन्होंने जो नगर का उरई नगर का और बुंदेलखंड का जो विकास कराया था, निश्चित रूप से आज उनसे प्रेरणा लेकर आज इस गेट का हम लोग निर्माण कराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी सेवाओं के लिए चयनित अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। कहा प्रदेश में बेरोजगारी की दर 19% से घटकर मात्र 2% पर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा और मेघालय को दी विकास की कई परियोजनाओं की सौगात। कहा देश की सीमाओं पर डंके की चोट पर हो रहा है विकास। और उत्तर प्रदेश में मौसम ने ली करवट, दिखाए तीखे तेवर। ठंड और गलन के साथ कई स्थानों पर कोहरे के चलते जनजीवन हुआ प्रभावित। और इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।